हेलो एट क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ओके, इससे पहले वाला चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, जिसमें हमने दो दो के पेयर बनाए थे, आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में. ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करें, जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए. जैसे कि 8 है, 8 को ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए. जैसे कि 2 2 2, तो 2 2 4 4 2 8, यानी कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2. ठीक है, इसीलिए तो इसमें हमें हमेशा तीन तीन का पेयर बनाना होगा. अभी तक हमने स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर की बात करी थी, इसमें अब हम तीन तीन के पेयर की बात करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में शुरू होने से पहले इस चैप्टर को लिखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ये टेबल आपको बनाना है. 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब मैंने कहा ना अभी, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 4 4 16 16 4 64, ठीक है, 5 को 3 बार करेंगे तो ये आएगा, 6 को 3 बार करेंगे तो ये, तो ये आपको 10 तक का पूरा बनाना है. ओके, क्यूब रूट्स हैं आपके, ये 10 तक हो गए और यहाँ पे आपका आ जाएगा 11. ओके, 11 का क्यूब रूट है, बस एक क्यूब रूट बना देना, 4 का क्यूब रूट, इसके ऊपर 3 लगा देना. ओके, सब पर 3 लगा देना और ये बॉक्स पूरा कहाँ तक बन जाएगा आपका, 20 तक 3 बनेगा. ओके, 3 सब पे 3 लगा देना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये 3 लगा कर ये क्यूब रूट आपका 20 तक हो जाएगा, 10 वहाँ और 10 यहाँ. ओके, ये बॉक्स आपको तैयार करना है, इंट्रोडक्शन में आप ये बॉक्स ही लिखेंगे. ओके, इसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करेंगे अब हम. ओके, क्या है क्वेश्चन 7.1. ओके, 7.1 देख, एक्सरसाइज 7.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इसमें से कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है. जिसके 3 का पेयर बन जाए वो तो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, पर जो पेयर से रह जाए यानी कि 3 का पेयर नहीं बन पाए वो हमारा नॉट परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब तो है नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, जिसके 3-3 के ग्रुप बन जाए तो वो तो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, पर इसमें पूछा नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो जिसका पेयर नहीं बन पाएगा, ओके, तो वो हमारा होगा आंसर. ओके, एक्सरसाइज 7.1 में आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, तो 64 है, क्या करते हैं, हमने प्राइम फैक्टर सीखा था ना, तो यहाँ पे हम करेंगे प्राइम फैक्टर. ओके, 64 का ये 2 से जाएगा, ये आया. ओके, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, ये 2 से, ये भी 2 से, ठीक है, तो ये 1 पे हमारा कंप्लीट हुआ, ये हमें आता है, हमने सीख रखा है. ओके, अब हमें करना है, अब देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 64 लिखते हैं, पहले क्या आया प्राइम फैक्टर ऑफ 64 का प्राइम फैक्टर आया क्या है, ये देखो आया है कितने बार, 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये जितने बार था उतने बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अब हमें इसे चेक करना है कि ये 3 के ग्रुप में है, तो देखो ये 3 का ग्रुप, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है बेटा, क्यूब एंड क्यूब रूट है ना, चैप्टर का नाम ये है, मैंने आपको बताया, ठीक है, तो क्यूब का मतलब होता है 3, स्क्वायर का मतलब होता है 2 और क्यूब का मतलब होता है 3, ठीक है. तो अब इसमें देखो, इसमें 3 का पेयर बन गया, इसके भी 3 पेयर बन गए, इसके भी 3 पेयर बन गए ना, तो यानी कि ये हमारा स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब रूट क्या पूछा था, परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 का पेयर बन गया, तो लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्रीज, ठीक है, 3 के ग्रुप में है, देयरफोर 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बन गया. ओके, तो लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर्स आर इन अ ग्रुप ऑफ थ्रीज,
तीन के ग्रुप में है, इसी वजह से 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 216। ओके, 216 देखते हैं दूसरा, यहाँ फैक्टर करेंगे 216 का। ओके, 2 से जाएगा तो आएगा ये, फिर 2 से जाएगा तो आएगा 54, फिर 2 से जाएगा तो आएगा 27, फिर ये 3 से जाएगा, ओके, फिर ये 3 से जाएगा और फिर ये 3 से जाएगा। ओके, तो फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, वैसे बिल्कुल वैसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ 64 लिखा था, ऐसे ही लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 216। लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। 2016 का फैक्टर क्या है, 3 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 बार 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, यस yes, बन रहा है, क्योंकि 2 2 2 तीन चाहिए हमें। क्या 3 3 बार है, 1 2 3, हाँ। तो जो भी नंबर थे वो 3 3 के ग्रुप में है ना, तो लिखेंगे हेयर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3s। ओके, तो फिर लिखेंगे देखो, जो हमारा जो 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब इसमें से एक क्वेश्चन और देखते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, कोई सा ऐसा करेंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये ले लेते हैं। फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ क्या है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2560। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, टू का फैक्टर यही है, ठीक है, 2 1s are 2, फिर 2 6s 12 0, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर ये 2 से 5, और ये 5 ही रह जाएगा। अब देखो, अब लिखेंगे हम क्या लिख रहे थे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2560। अब इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 2 है, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 times 5 है। अब देखो ग्रुप, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये भी 3 का ग्रुप बन गया, ये भी 3 का ग्रुप बन गया, पर क्या 5 का ग्रुप बन पाया? अगर 5 का ग्रुप बन जाता ना, तब ये परफेक्ट क्यूब होता, पर 5 का तो ग्रुप बना नहीं, या कि 5 ही एक्स्ट्रा है, ठीक है, या तो कम कर दो या बढ़ाना पड़ेगा, हमने सीखा एक्सेस चैप्टर 2 में। पर ये 3 3 का ग्रुप तो बन गया, पर ये इसका ग्रुप नहीं बन पाया, है ना, तो इसीलिए ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर्स डू नॉट अपीयर इन 3s ग्रुप, ठीक है, 3 के ग्रुप में नहीं दिख रहा है हमें इसमें, ठीक है। देयरफोर 2560 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हो गया जिसका नहीं में आया। तो इसमें जो भी पार्ट बच गया बच्चे, वो आपको खुद से करना है। ओके, इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं, इसमें भी बताना है परफेक्ट क्यूब चेक करना है, तो इसमें भी एलसीएम लेना, जिसके 3 3 के ग्रुप बन जाए वो परफेक्ट क्यूब है, और नहीं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लिख देना दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर परफेक्ट क्यूब है तो लिख देना दिस इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 3 का ग्रुप बन रहा है तब तो परफेक्ट क्यूब है, पर अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका ग्रुप नहीं बन पाया 3 का, ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो एक काम कीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ओके,
सारा आपको चेक करना है एलसीएम से और तीन तीन के ग्रुप बनाकर, अगर तीन तीन के ग्रुप सारे नंबर के बन गए तब तो परफेक्ट क्यूब है, अगर कोई भी एक नंबर रह गया तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। और एंड क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 7.1 का, और जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको टेबल बनाने के लिए कहा है वो भी आपको टेबल बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा।